अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे पता है आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल समय देखा है साथ में। आपने बहुत कुछ किया है मेरे खिलाफ, अपनी बाजी का प्यादा बनाकर मुझसे शादी की और वो मलाल हमेशा मेरे साथ रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने ये ना सोचा हो कि काश हम जैसे मिले वैसे ना मिले होते, हमारे रिश्ते की शुरुआत नफरत से ना हुई होती। काश हमारे रिश्ते की शुरुआत प्यार के बिना पर हुई होती महक। काश हमारी कहानी की शुरुआत धोखे और बाजी से ना हुई होती। तुम मेरी जिंदगी में बहुत सपने लेकर आई महक, और मैंने अपने खेल में सब कुछ तबाह कर दिया था। वो यादें आज भी दर्द देती हैं मुझे, शायद इसलिए अपना हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शायद इसी गिल्ट को कम करने के लिए मैं तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताता हूँ। वो पल जो मैं तुम्हारे साथ जी नहीं पाया, और जो लम्हे हमने मिस किए, वो मैं जीना चाहता हूँ। क्या इनकी गिल्ट ने इन्हें इतना कमजोर कर दिया है? क्या उस हमशक्ल पर इतना प्यार जता रहे? क्या इनका गिल्ट इन्हें सच्चाई नहीं देखने दे रहा? और आज इस पवित्र बारिश में हम तुलसी के साथ फेरे लेकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। मेरा तू जुनून है, मैंने माना, को भी खोकर तुझको पाना। बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं। मिस्टर गिवंशी की ये भावनाएं दिखावा नहीं हो सकती। ये मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। पक्का उस हमशक्ल ने मिस्टर गिवंशी को अपनी बातों में फंसाया होगा। तेरा चेहरा किस्मत से मुझको तो मिला, वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है मेरे इश्क की। और होना इस काम में वो अकेली नहीं, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। क्या हुआ महक, तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही? अपनी आंखें बंद कीजिए,
तक जो हुआ वो इस व्रत से चुराया हुआ हमारा खास पल था, जिसकी हमें इजाजत नहीं थी। व्रत में रोमांस नहीं किया जाता, इसके लिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा करेंगे। मिस्टर अग्निवंशी, तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी? इसके लिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा करेंगे। हाँ, बहुत दिनों बाद बारिश का मजा ले रहा हूँ। आप भी ना, मुझे हंसाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। शायद ये माता रानी का इशारा है कि मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है, इनको बस उस हमशक्ल ने अपनी बातों में उलझाया हुआ है। आपको मुझे मारना था, मार दीजिए, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। महक, मैंने कहा रुक जाओ। महक! पर फिर उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? प्यार भी महक से करते हैं और जान भी उसी की लेना चाहते हैं। अब चलिए, मेरे हाथों में अपना नाम लिख दीजिए, फिर शाम को हम लोग साथ मिलकर अपना व्रत खोलें। कहीं ना कहीं इन सारी बातों की कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन आज तो मैंने खुद से वादा किया है, वो तो पूरा करके ही रहूंगी। मेरा व्रत मिस्टर अग्निवंशी ही खोलेंगे। हे भगवान, आरती के लिए तो देर हो गई। मुझे पता है तुम असली महक नहीं हो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा ये राज राज ही रहे, तो 10 मिनट में 5 लाख घर के पीछे वाले गार्डन में लेकर आओ। मैंने उस हमशक्ल को भटकने के लिए भेज दिया ताकि मुझे अपनी पत्नी होने का हक मिल सके। अरे भाई साहब, ये घर की औरतें तो व्रत के पहले ठूस ठूस के खा ली हैं, हमें तो देखने को भी नहीं मिला। हमारे आंख के सामने से पराठा खींच के ले गए, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बात तो सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे भाई, अब हम लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं? चलिए। अरे चलो चलो यार, चलो यार। थैंक यू पार्वती, आज आपके साथ की वजह से एक पत्नी का हक पत्नी को ही मिला है, उस बहरूपिया को नहीं। आज से मेरे सिर्फ एक ही मकसद है, उस नकली महक की सच्चाई जानना और ये पता करना कि इस घर में कौन उसका साथ दे रहा है। मुझे ये भी जानना होगा कि जब मिस्टर अग्निवंशी मुझसे इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। क्या हुआ मैक? मैक, एक अर्जेंट कॉल आया, मैं बस थोड़ी देर में। इस
पहले जब मिस्टर न्यूची कॉल पर बात कर रहे थे तब भी वो परेशान हो गए थे और अब भी यही हो, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।